तो अब जब हम ब्रेकडाउन की बात करते हैं, ब्रेकडाउन होता क्या है? आपने एक डायोड लिया, आपने उसकी रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग में डायोड अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा, ठीक हो गया। पर आप जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, उसके रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, अंदर से उसके बॉन्ड टूट जाएंगे और करंट ड्रास्टिकली एकदम बढ़ जाएगा। जब एक करंट एकदम बढ़ गया, हम बोलते हैं ब्रेकडाउन हो गया, मतलब उसका काम था करंट को रोकने का, पर वो करंट रोक नहीं पा रहा। उसमें से माइन्यूटली करंट कुछ ज्यादा ही हाई हो गया बॉन्ड्स टूटने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की वजह से, जिस वजह से क्या हुआ, उसमें ड्रास्टिकली करंट बढ़ गया, वो ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के ब्रेकडाउन है। पहला ब्रेकडाउन है जीनर ब्रेकडाउन। एक लाइन में समझाता हूँ जीनर ब्रेकडाउन क्या है। जीनर ब्रेकडाउन एक खास किस्म के डायोड में होता है, जिसको जीनर डायोड बोलते हैं। आम डायोड से हटके डायोड है। आम डायोड क्या होता है, पी और एन डायोड को आप नॉर्मल डायोड बोलते हैं। जीनर डायोड में पी टाइप के अंदर और पी टाइप डोपेंट डाले जाते हैं, यानी कि उसकी डेंसिटी बढ़ाई जाती है। एन टाइप के अंदर और एन टाइप डोपेंट डाले जाते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ाई जाती है, यानी कि पी टाइप और एन टाइप में हैवीली डोपिंग की जाती है। नॉर्मल डायोड में डोपिंग हैवी नहीं होती, जीनर डायोड में डोपिंग थोड़ी सी हैवी की जाती है। हैवी करने से डिप्लीशन लेयर थोड़ी सी पतली हो जाती है। डिप्लीशन लेयर पतली होने से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डीवी बाई डी या वी बाई डी, डी कम होने से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है इसके बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर में बहुत हाई है। कितना हाई है कि अगर आप बैटरी के रिवर्स वोल्टेज हल्की सी भी अप्लाई कर दो, पहले तो आपको ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती थी बॉन्ड तोड़ने के लिए, इसमें हल्की सी अप्लाई करोगे एकदम बॉन्ड टूट जाएंगे। क्योंकि एक तो डिप्लीशन लेयर भी बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करी बैठी है, और एक आपकी रिवर्स बैटरी भी वही काम कर रही है। तो हल्की सी वोल्टेज अप्लाई करोगे, ये फटाफट ब्रेकडाउन में चला जाएगा और अपने अंदर से जो करंट है उसको पास होना स्टार्ट कर देगा। तो ये रीजन है, अगर आप किसी भी डायोड का जल्दी ब्रेकडाउन करवाना चाहते हो, वहां आप डोपिंग ज्यादा कर देते हो, ताकि हल्की सी रिवर्स वोल्टेज भी उसको ब्रेकडाउन में ले आती है। अब क्यों ऐसा चाहोगे, उसका रीजन आज मैं बताऊंगा कि हम क्यों चाहेंगे कि इसका ब्रेकडाउन हो जाए। पर इस टाइप के डायोड जिसको जबरदस्ती ऐसा बनाया जाता है कि आप डोपिंग ज्यादा ज्यादा करके वो फटाफट उसकी रिवर्स बायसिंग करें और वो करंट को रोक ना पाए और फटाफट अपने बॉन्ड तोड़ के करंट को पास कर दे, इसको कौन सा ब्रेकडाउन बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। बस ये पता होना चाहिए, ठीक, पहला पॉइंट है। एक और ब्रेकडाउन है, और इसके करेक्टरिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेन्स या नीट में कहीं पर भी इसकी करेक्टरिस्टिक ग्राफ मार्क करने को आ सकती हैं। तो जीनर ब्रेकडाउन की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, इसका पैटर्न याद करना है, ठीक है। दूसरे टाइप का एक और ब्रेकडाउन है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में नॉर्मल डायोड यूज करना है, कोई डोपिंग डोपिंग नहीं करवानी। एवलांच वर्ड कहाँ से आ रखा है, वो स्नो, वो जो पहाड़ों पे बर्फ गिरी हुई है, बर्फ का गोला चला, उसने दूसरे बर्फ के गोले को मिला लिया, दोनों ने तीसरे को मिला लिया, तीसरे चौथे को मिला लिया, पूरा पहाड़ ही गिर गया। तो ऐसा ही हुआ, लेकिन ये रोज रोज नहीं होता, ये रोज रोज नहीं होता, ये चांस की बात है, बुरी किस्मत है तब होता है। ऐसा ही है, नॉर्मल डायोड है अच्छा भला, और रिवर्स बायसिंग में करंट को ब्लॉक करके बैठा हुआ है। इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन तो दौड़ते रहते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, माइन्यूटी करंट है। वो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, जाते जाते एक्सीडेंटली क्या हुआ, अंदर जो सिलिकॉन के एटम्स हैं उनके घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को हिट कर गए। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को हिट किया और उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। वो कहता, अच्छा तूने हिट किया, मेरे को एनर्जी मिली, मैं भी चल पड़ता हूँ। दोनों भागने स्टार्ट हुए, दोनों फिर अंदर किसी सिलिकॉन के अंदर के, फिर एक्सीडेंट हुआ, देखो फिर सिलिकॉन के एटम्स के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन को हिट कर गए। दो ने चार को निकाल दिया, चार फिर भागे, चार ने फिर आगे आठ को निकाल दिया, आठ ने 16 को निकाल दिया, करते 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 पूरा एवलांच ही हो गया। तो ये ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन रोज रोज नहीं होता, मैंने बताया, तो चांस की बात है, वो हिट कर गया, वो भी निकला, तब ऐसा होगा। पर इस टाइप के ब्रेकडाउन को एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जीनर ब्रेकडाउन की ये रही फॉरवर्ड एंड रिवर्स, और एवलांच की थोड़ी सी दूर होती है ऐसी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स याद करते जाओ, नीट और मेन में सीधा ग्राफ प्लॉट करने को बहुत आते हैं, डायरेक्ट ग्राफ एनसीईआरटी के सीधा मार्क करने को आ सकते हैं, ठीक। तो ये ब्रेकडाउन है।